हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे। जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? 16 पार्ट। कौन सा पार्ट है? 16 पार्ट है। कितने क्वेश्चन है ये भी ध्यान रखिएगा, 100 टॉप के क्वेश्चन है। ठीक है, हर सेशन में मैं 100 क्वेश्चन लेके आता हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सी कोचिंग संस्थान है जो 100 क्वेश्चन पर डे आपको जनरल साइंस की करा देगी? ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट ही केवल ऐसा चैनल है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है, वो भी 10, 20, 30 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन हर सेशन पे कराता है। ठीक है, तो ऐसे 16 पार्ट हमने कवर कर दिया हुआ, 16 पार्ट हमने कवर कर दिया हुआ है। और हर सेशन में, मतलब 2-3 सेशन मैं ऐसे कुछ कम पढ़ाया हूँ, जिसमें 60-70 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन तक पढ़ाया हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो सेशन चालू किया हूँ, 4-5 सीरीज से मैं 100 क्वेश्चन स्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, 100 क्वेश्चन मैं उसमें रख रहा हूँ। ठीक है, हर सेशन में मैं 100 क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट ही ऐसा चैनल है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेके आता है। ये कोई मैराथन क्लास नहीं है कि बहुत सारे संस्थान बोलते हैं कि 100 क्वेश्चन रख लेते हैं, क्या कहते हैं कि 100 क्वेश्चन रख लेते हैं और मैराथन क्लास चला देते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन रख लेते हैं और मैराथन क्लासेस चला देते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन मैं 100 क्वेश्चन हर सेशन में अपने चालू करता हूँ, कोई मैराथन क्लासेस नहीं, कोई मैराथन क्लासेस नहीं, मेरी सिंपल ही क्लासेस रहती है। ठीक है, और सिंपल क्लासेस में ये मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों के क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया हुआ है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को क्या कहूँ, मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया हुआ है और उन्हीं क्वेश्चनों से आपके एग्जाम को बूस्ट करने में आपको आपकी मदद कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम को बूस्ट करने में आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, केवल आपको मदद कर रहा हूँ। ठीक है, एक केवल गाइड कर रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा, ठीक है, जनरल साइंस के अलावा जनरल नॉलेज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जनरल नॉलेज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें भी मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। और सी टैट, ठीक है, सी टैट का एक स्पेशल बैच चालू करने वाला हूँ। ठीक है, सी टैट की क्लासेस चालू करने वाला हूँ मैं, उसमें भी मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, उसमें भी मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, कोई मैराथन क्लासेस नहीं रहेगी मेरी, 100 सिंपल क्वेश्चन रहेगी, सिंपल मेरी क्लासेस रहेगी, कोई मैराथन क्लासेस नहीं, सिंपल मेरी क्लासेस रहेगी। जैसे चलती है उसी प्रकार से मेरी क्लासेस चलती है, मेरी क्लासेस ऑफलाइन चलती है, लेकिन पर डे वीडियो अपलोड होती है। मैं 7 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, 7 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, और उन 7 सब्जेक्ट पर डे एक या दो वीडियो पर डे मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 7 सब्जेक्ट में दो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं? बाल विकास शिक्षा साहब, आप वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मेरे चैनल पे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ और इसके अलावा उसके एमसीक्यू भी कराता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जब तक मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो आप कैसे जानेंगे कि इस चैनल में होता क्या है। ठीक है, ये क्या तैयारी कराते हैं, क्या चीज कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे अगर आप नए आ रहे हैं, ठीक है, चैनल को आप न्यू विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये आपको मदद करेंगे, आपके एग्जाम को बूस्ट करने में आपको बेहतर मदद करेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए सेशन स्टार्टिंग करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेता। ठीक है, तो सेशन स्टार्टिंग करता हूँ। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए कि जब प्रकाश जल से अवलिप आयल में गुजरती है, ठीक है, तो किरण क्या होगी? अविचलित गुजर जाएगी। दूसरा क्या है आपका, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तीसरा है आपका, अभिलंब से दूर हटेगी। चौथा है आपका, अभिलंब के किसी ओर मुड़ सकती है। ठीक है, अभिलंब किसी ओर मुड़ सकती है, यह इस पर निर्भर तथा कार्य सतह समतल या गोली। ठीक है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है,
हर क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। मैं आपको दो दो तीन सेकंड का समय दूंगा, आप लोग अपना आंसर पिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंतजाम से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि जब प्रकाश ऑयल से गुजरता है तो किरण क्या होगी, अविचलित हो जाएगी या फिर अविलंब से दूर हट जाएगी, या अविलंब से दूर अविलंब की ओर मुड़ेगी, या अविलंब से दूर हटेगी, या फिर अविलंब की किसी भी ओर मुड़ सकती है, यह इस पर निर्भर है पृथक्करण सतह समतल है या गोली है, इस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको यह बताना है। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड नंबर, ठीक है। क्या होगा इसका, अविलंब की ओर मुड़ने वाली, ठीक है, क्या होगी, अविलंब की ओर मुड़ेगी। पहला क्वेश्चन का दूसरा जवाब सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बर्फ का जो गोला होता है उसको लकड़ी का बुरादा से ढका जाता है, बर्फ के गोले को लकड़ी के बुरादा से ढक दिया जाता है, ठीक है, या लकड़ी के बुरादे में उसको पैक कर दिया जाता है, या लकड़ी के बुरादे से उसको कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि लकड़ी का बुरादा बर्फ के ताप को कम कर देता है, सेकंड नंबर इनमें से कोई नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी जल्दी अपन पढ़ने की कोशिश करूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट नंबर है आपका, लकड़ी बुरादा बर्फ के अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है, या फिर लकड़ी का बुरादा के साथ इनमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा को चालक की तरफ व्यवहार करता है और ऊष्मा को बाहर निकलने तथा बर्फ को पिघलने से रोकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि बर्फ को आप लकड़ी के बुरादे से क्यों ढकते हैं, तो बर्फ को लकड़ी के बुरादे से इसलिए ढका जाता है क्योंकि लकड़ी के बुरादे के साथ इनमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा को चालक की तरह व्यवहार करता है तथा ऊष्मा को बाहर निकलने से और बर्फ को पिघलने से क्या करता है, रोकता है। मतलब इसका फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान होता है, पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान होता है 0 के बराबर, 7 के बराबर, 7 से कम या 7 से अधिक। फटाफट आंसर लगाइएगा क्योंकि आपको मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर आप एग्जाम टाइम में देखेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी बचेगा, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे सेव रहने वाला है, आपका एग्जाम जो होगा बिल्कुल भी आपका एग्जाम टाइम यहाँ पे सेव रहने वाला है और 100% आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मेरे सेशन में आपको 100% हर सेशन में आपको मिलेगी, प्रीवियस से जो क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी समय जो होगा इन्वेस्ट नहीं होने वाला है, आपको बिल्कुल भी समय यहाँ पे बचने वाला है, ठीक है। तो मैं फालतू की बातें इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन फोकस रहता है और डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होगा या 7 के बराबर होगा, या 7 से कम होगा, 7 के बराबर होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, पता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, मतलब 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से कम होगा थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चाहते हैं, फोर नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न सब इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पर विचार करें, ठीक है, सब इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पर आपको विचार करना है, K2, ठीक है, K+, SO नेगेटिव, Cl नेगेटिव और C2 पॉजिटिव के बीच घटता हुआ क्रम आपको लगाना है, मतलब इनकी रेडिएशन, ठीक है, इनको त्रिचित्र घटते हुए क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो इसका घटते हुए क्रम आपको कब समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप इनको घटते हुए क्रम में आप कैसे लगाएंगे, घटते हुए क्रम में आपको लगाना है कि S2 Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव और C2 नेगेटिव, CO2 पॉजिटिव, K+ पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, SO2 नेगेटिव, सॉरी SO2 नेगेटिव, सॉरी, है ना, Cl नेगेटिव है, SO2 है, फिर SO2 नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मैच करा लीजिएगा अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर, इसको आपको क्या कर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकाल कर आपको इसको अरेंजमेंट कर लेना है, ठीक है, आपको इंक्रीज कर लेना, घटते हुए क्रम में इसको लगा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर पे आते हैं हम, देखिए छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है, छोटी माता स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है मक्खी, मच्छर, जीवाणु या विषाणु, ठीक है, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स किससे उत्पन्न होता है, छोटी माता अथवा विषाणु किससे उत्पन्न होता है, आपका विषाणु से, ठीक है, किससे उत्पन्न होता है, आपका विषाणु से, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है किससे, विषाणु से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन पे कि विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यतः औसत श्वसन दर होती है, विश्राम की अवस्था में जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है तो विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यतः औसत श्वसन दर कितनी होती है, 15 से 18,
ठीक है, 9 से 12, 12 से 20 और 30 से 33 कितनी होती है बताइए, सही जवाब बताइए, फटाफट बताइए सही भाई जवाब आपको देना है। विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की समांतर औसत दर, समांतर और श्वसन दर, सॉरी श्वसन दर कितनी होती है, वो होती है आपकी 12 से 20 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 12 से 20 होती है। तीसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर पे आते हैं कि एक सह संयोजक बंध किसके मध्य संभव होता है, एक सह संयोजक बंध जो है किसके मध्य संभव होता है, समान परमाणुओं के मध्य, समान और असमान परमाणुओं के मध्य, समान अणुओं के मध्य या असमान परमाणुओं के मध्य। तो एक सह संयोजक बंध किसके मध्य, एक सह संयोजक बंध किसके मध्य संभव होता है, समान, समान और असमान परमाणु के मध्य संभव होता है। ठीक है, समान तथा असमान परमाणु के मध्य क्या होता है, क्या सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध किसके मध्य संभव होता है, समान तथा असमान परमाणु के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मृदा बनी होती है, मृदा किसकी बनी होती है, आपको यह बताना है कि मृदा किसकी बनी होती है, खनिज की, कार्बनिक पदार्थ की, वायु की या फिर जल की, या फिर खनिज कार्बनिक पदार्थ या फिर वायु, या फिर खनिज जल वायु या फिर कार्बनिक पदार्थ या फिर जल, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसकी बनी होती है, मृदा किसकी बनी होती है, आपको ये बताना है कि मृदा किसकी बनी होती है, क्या खनिज कार्बनिक पदार्थ वायु और जल की बनी होती है, या सेकंड नंबर आपका यह हो खनिज कार्बनिक पदार्थ वायु की बनी होती है, या फिर खनिज जल या फिर वायु की बनी होती है, या फिर कार्बनिक पदार्थ या फिर जल की बनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा खनिज की, कार्बनिक पदार्थ की, वायु की और जल की बनी होती है। मृदा जो बनी होती है किसकी बनी होती है, खनिज की बनी होती है, याद रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है, वायु की बनी होती है और जल की बनी होती है, कौन, मृदा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है, ठीक है बताइए, अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां क्या होते हैं, नींबू के पौधे उगते हैं, चीड़ वृक्षों की अधिकता होती है, यूकेलिप्टस अधिक हो, या फिर बड़े उद्योग वायुमंडल या स्वरूप से प्रदूषित हो। ठीक है, तो अम्ल वर्षा कहाँ होगी, देखिए अब एग्जामिनर क्या करता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है, जिन बच्चों, मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चों से बनता नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है, तो उसको और भी डाउट में लाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, देखिए क्या कर दिया कि नींबू का पौधा बता दिया, नींबू का पौधा जहां पे होगा तो अम्ल वर्षा होगी, मतलब नींबू क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है, नींबू खट्टा होता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या बता दिया कि बच्चे सोचेंगे कि नींबू के पौधे जहां पे लगे होंगे वहां पे अम्ल वर्षा होगी ज्यादा। ठीक है, तो क्या इससे ये एग्जाम्पल ये लगाता है कि जिन बच्चों के मन में डाउट होगा वो डायरेक्टली इसको लगाएंगे, ठीक है, नींबू के पौधे से। ठीक है, तो अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां पर बड़े उद्योग होते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां पर बड़े उद्योग होते हैं, वायुमंडल SO2 से प्रदूषित होते हैं, वहां पे अम्ल वर्षा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले संयोजन तार समांतर बने होते हैं, बताइए क्या होता है, एक विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले संयोजन तार समांतर बने होते हैं, किसके बने होते हैं, एक विद्युत परिपथ में किसके तार बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं, प्लास्टिक के, स्वर्ण के, बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में आप जो एक विद्युत परिपथ होता है उसमें जो संयोजन के तार होते हैं, जोड़ने के जो तार होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, क्या आप चांदी के उसके बनाते हैं, या फिर प्लास्टिक के बनाते हैं, स्वर्ण के बनाते हैं, या फिर आप तावत बनाए, किसके बनाएंगे, तावत के बनाते हैं, ठीक है, कॉपर के। तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि निम्न प्रकाशीय माध्यमों को प्रकाशीय रूप से सघन माध्यमों के बढ़ते क्रम में आपको जमाना सजाइए, ठीक है, या जमाइए, ठीक है, पहला दिया हुआ है कांच, वायु और जल, दूसरा दिया हुआ है कांच, जल और वायु, तीसरा दिया हुआ है वायु, जल और कांच, और चौथा दिया जल, कांच और वायु, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आपको बताना है, क्या बताना है आपको, आपको ये बताना है कि निम्न प्रकाशीय, क्या बताना है, निम्न प्रकाशीय माध्यमों को, निम्न प्रकाशीय माध्यमों को प्रकाशीय रूप में सघन माध्यमों को बढ़ते क्रम में आपको लगाना है, कांच, वायु और जल, कांच, जल और वायु, वायु, जल और कांच, जल, कांच और वायु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा एयर, वाटर एंड ग्लास, ठीक है, एयर, वाटर एंड ग्लास इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट वन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं, मुलायमपन, खुरदरीपन या फिर दूरी। ध्यान दीजिएगा, घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य के कारण होता है। घर्षण बल किसके कारण होता है, इनमें से कोई नहीं, पहला जवाब है। दूसरा जवाब है आपका मुलायमपन, मुलायमपन के कारण, या फिर खुरदरीपन के कारण, या फिर दूरी के कारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका खुरदरीपन के कारण, मतलब तीसरा इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस, जिसमें क्या होता है, ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, गलता है या फिर उबलता है। बताइए ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस क्या होता है, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 नंबर, पाचन नलिका में पाचन है, पाचन नलिका में पाचन है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, अपूर्ण अवशोषण के समान या ब्रहा कोशिकीय। देखिए बताइए, पाचन नलिका में पाचन है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीटेड है, इन द सेम ऑब्जर्वेशन है, और ठीक है अवशोषण के समान, ठीक है, या फिर ब्रहा कोशिकीय है। तो पाचन नलिका में क्या है, पाचन क्या है, ये अपूर्ण है, ठीक है, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक विद्युत अपघट, याद रखिएगा, एक विद्युत अपघट होता है, क्या होता है एक विद्युत अपघट, क्या होता है, एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है, ठीक है, पहला जवाब। दूसरा जवाब है एक प्रकाश विद्युत सेल, दूसरा क्या है एक धातु, और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द डीज, ठीक है। एक विद्युत अपघट क्या है, एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है, पहला जवाब। दूसरा जवाब है एक प्रकाश विद्युत सेल है, चौथा जवाब है, तीसरा जवाब है एक धातु है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्या एक विद्युत अपघट क्या होता है, एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है वो होता है विद्युत अपघट, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है वो विद्युत अपघट है, ठीक है, एक द्रव जो विद्युत का चालन कर सकता है वो विद्युत अपघट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर पे, अपमार्जक जल का प्रसृतनाव, ठीक है, अपमार्जक क्या करेगा, अपमार्जक जो होता है जल का प्रसृतनाव क्या करेगा, हल्का बढ़ाएगा, बढ़ाता है उतना ही रखता है, या फिर कम कर देता है, बताइए अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक क्या करेगा, जल का जो प्रसृतनाव होता है, अब जब अपमार्जक जल का जो प्रसृतनाव होता है वो क्या करेगा, उसका क्या बढ़ा देगा, हल्का बढ़ाएगा, या फिर बढ़ाता है, या फिर उतना ही रखता है, या फिर कम कर देता है, बताइए क्या करेगा, अपमार्जक जो जल को करता है कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, अपमार्जक जल को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्वनि का तारित्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारित्व निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का जो तारित्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये पूछ रहा है, गुणवत्ता पर, आवृत्ति पर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या फिर आयाम पर, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि ध्वनि का जो तारित्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, क्या गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, या आवृत्ति पर निर्भर करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर आयाम पर निर्भर करेगा। तो ध्वनि का जो तारित्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, आपका फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, मतलब आवृत्ति पर निर्भर करता है, सेकंड नंबर इसको सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर पे कि एक ऊंट एक घोड़े की तुलना में रेगिस्तान बहुत आसानी से दौड़ सकता है, क्योंकि इसके पैर क्या होते हैं, एक जो ऊंट होता है घोड़े की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ सकता है, क्योंकि भार कम होता है, शरीर अधिक भारी होता है, या फिर पैर चौड़े होते हैं, या फिर पैर छोटे होते हैं। तो ऊंट है और घोड़े की यहाँ पे कंपेयर की गई है, ऊंट है घोड़े की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ सकता है, क्योंकि उसके पैर क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, गतिदार होते हैं, ठीक है, इसलिए ऊंट क्या करता है, घोड़े की तुलना में रेगिस्तान पर ज्यादा आसानी से दौड़ सकता है, बहुत आसानी से दौड़ सकता है, चल सकता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि संदूषित जल रोग है, संदूषित जल रोग क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं, फ्लू, मलेरिया या गैस्ट्रो एंटेराइटिस, ठीक है, तो संदूषित जल से क्या होता है, संदूषित जल से रोग होता है आपका गैस्ट्रो एंटेराइटिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर पे,
पादप की स्वस्थ वृद्धि, ठीक है, पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? आपकी दोमट, पहला जवाब, दूसरा है आपका बालू, तीसरा जवाब है चिकनी और चौथा जवाब है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पादप स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, पादप की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? आपकी दोमट मिट्टी होती है, ठीक है। पादप किसके, पादप की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, पौधों की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए सबसे अच्छी जो मृदा होती है वो होती है आपकी दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, वनोन्मूलन से होती है, वनोन्मूलन से क्या होती है? ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी। वनोन्मूलन से क्या होगा आपका? ऑक्सीजन में क्या वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, नाइट्रोजन में वृद्धि होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी, ठीक है। बताइए वनोन्मूलन से क्या होगा? वनोन्मूलन से होगा क्या आपका? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, ठीक है। जब आप पेड़ पौधे काटेंगे, पेड़ पौधे रहने नहीं देंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन पे कि चांदी के गहनों पर जमा, ठीक है, जमा सोने की एक पतली परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्टर्लिंग चांदी, रजत मंडित या रोडियम लिपिक, रोडियम लिपिक या स्वर्ण लिपिक, क्या कहा जाता है? स्वर्ण लिपिक कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वर्ण लिपिक, चांदी की, चांदी के गहनों पर स्वर्ण का लेप चढ़ाया जाता है, चांदी के गहनों पर स्वर्ण का लेप चढ़ाया जाता है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर पे आते हैं, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए कि फलों के रस फूले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं, ठीक है, फलों के जो रस होते हैं, फलों के जब रस होते हैं फूले में रखने पर वो कड़वे हो जाते हैं, क्यों? उनमें एंजाइम मौजूद होता है, दूसरा है कमरे के ताप पर रस का ऑक्सीकरण होता है, और तीसरा जवाब है हवा में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, चौथा जवाब है किण्वन खमीर कोशिकाओं के द्वारा। तो फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें किण्वन खमीर और कोशिकाओं के द्वारा, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है, कैसी होती है? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार या फिर परवैलिक होती है, या उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार होती है, कैसी होती है? होती है आपकी उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार होती है, ठीक है, उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार होती है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 25 में क्वेश्चन पे आते हैं कि धारा प्रवाहित होने वाले तार के निकट, क्या धारा प्रवाहित होने वाले तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है, यह प्रदर्शित विद्युत धारा का प्रभाव निम्न है। देखिए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पहला जवाब, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दूसरा जवाब, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तीसरा जवाब, और विद्युत धारा का यांत्रिक प्रभाव आपका चौथा जवाब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है, इसका सही जवाब बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कितने आप लोग आंसर इसमें से सही करते हैं, कॉमेंट बॉक्स में 100 क्वेश्चन मेरे पास है, हर सेशन में मैं 100 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये भी बताइएगा, आप सेशन देखते हैं, ठीक है, आप लोग सेशन देखते हैं तो आप लोग ये भी बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आप लोगों से बने, आप ये भी बस बताइएगा आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने, 10 बने, 20 बने, 50 बने, 100 बने, 100 में पूरी बन गए, ठीक है, 70 बने, तो आप लोगों को ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोग किए हुए हैं, ठीक है, ये जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और इस वीडियो को आपको शेयर करना है, जहां भी आप ग्रुप में जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुपों में आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश के जो एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन उन सबको भी मिल सके, ठीक है, उन सबको भी मिल सके, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से कंफ्यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि धारा प्रवाहित होने वाले तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है, यह प्रदर्शित विद्युत धारा के प्रभाव निम्न है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का यांत्रिकी प्रभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, विद्युत धारा का क्या? चुंबकीय प्रभाव। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आपका 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि खाद्य श्रृंखला सदैव के साथ प्रारंभ होती है, हाँ
यहां से एक मैं ये भी बात की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसके बाद जैसे जनरल साइंस खत्म होता है, ठीक है, जैसे ही जनरल साइंस खत्म होता है तो मैं पर्यावरण भी स्टार्ट करने वाला हूँ। याद रखिएगा, जनरल साइंस जैसे ही खत्म होता है तो पर्यावरण का सेशन भी देखा हूँ। कुछ पर्यावरण के पार्ट्स बने हुए हैं, लेकिन अभी मैं पर्यावरण को बंद किया हूँ और जनरल साइंस चला रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही जनरल साइंस खत्म होता है, ठीक है, जनरल साइंस में मैं उसके बाद पर्यावरण का सेशन लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण का सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं 20 क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए मैं 20 क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला सदैव के साथ प्रारंभ होती है, नाइट्रोजन निर्धारण, प्रकाश संश्लेषण, सह या फिर शोषण। तो खाद्य जो श्रृंखला तो स्टार्ट होती है वो साथ ही प्रकाश संश्लेषण के साथ। ठीक है, खाद्य श्रृंखला प्रकाश संश्लेषण के साथ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इनकरेक्टेड है। कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कि नारियल का छिलका त्रोटक उत्कों से बना होता है, जाइलम एवं फ्लोएम जटिल उत्कों से बने होते हैं, संश्लेषण पोषक पौधों को लचीला पर प्रदान करता है, कार्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्रन कहा जाता है, लिग्रन कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कि कार्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्रन कहा जाता है। ठीक है, ये 4th नंबर इसका गलत जवाब है, मतलब सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो कार्क वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि पशुओं के उस समूह को, ठीक है, पशुओं के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है। देखिए, पशुओं का वो कौन सा समूह है आपका, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, मोलस्का। तो पशुओं का कौन सा समूह है वो है आपका 3rd नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन पे कि रेबीज के काटने के कारण होता है, रेबीज किसके काटने से होता है, सिर्फ कुत्ता काटेगा, सिर्फ बंदर काटेगा, सिर्फ बिल्ली या उपयुक्त सभी, बताइए रेबीज किसके काटने से होगा। तो रेबीज किसके काटने से होगा, सभी लोग काट देंगे तो रेबीज आपको हो जाएगा, सभी लोग मिलके नहीं, अगर सिर्फ डॉग काटे तो आपको रेबीज हो जाएगा, सिर्फ बंदर पर काटेगा तो आपको रेबीज हो जाएगा, सिर्फ बिल्ली पर काटेगी तो भी आपको रेबीज होने वाला है, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 30 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखिए वायु के एक चमकदार भूरे रंग का तत्व एक्स गर्म होने पर रंग काला हो जाता है, तत्व एक्स निर्मित होने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताना है आपको। ठीक है, पहला जवाब है एक्स कॉपर CU है तथा निर्मित काले रंग का कॉपर आई ऑक्साइड CU2O है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है एक्स कॉपर CU तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड CuO है। सेकंड नंबर दिया हुआ है आपका, थर्ड नंबर आपका दिया हुआ है एक्स चांदी तथा निर्मित काले रंग का यौगिक स्तर यौगिक सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है लौ एक्स लौ। ठीक है, तथा निर्मित काले रंग के यौगिक फेरस ऑक्साइड FeO। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा एक्स कॉपर तथा निर्मित काले रंग का कॉपर ऑक्साइड CuO है। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं कि एक सूट केस को ऐसे ले जाना आसान होता है, सिर पर ले जाकर, हाथ में पकड़कर, या फिर उस पर रोलर्स स्थिर करके, या फिर जमीन पर घसीट कर, बताइए एक सूट केस को आप कैसे ले जाना आसान समझेंगे, सिर पर रखकर ले जाएंगे, या हाथ में पकड़कर ले जाएंगे, या फिर उसमें रोलर्स चक्का लगाकर, ठीक है, पहिया लगाकर, ठीक है, या फिर जमीन पर घसीट कर, ऐसे जमीन पर घसीट कर लेके जाएंगे। ठीक है, तो कैसा आपको आसान लगेगा, आसान आपको सूटकेस ले जाने में कैसी किसमें आप आसानी फील करेंगे। ठीक है, तो किसमें आसानी फील करेंगे, 3rd नंबर की आसानी आप फील करेंगे कि उसमें पहिया लगा होगा। ठीक है, सूटकेस में पहिया लगा होगा, ठीक है, चक्का लगा होगा, तो उसके माध्यम से आप सूटकेस को आसानी से लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन जाते हैं कि स्थल मंडल में उपस्थित होते हैं, स्थल मंडल में क्या उपस्थित होते हैं, वायु, भूमि या मृदा, आकाश या फिर जल। स्थल मंडल में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, क्या वायु उपस्थित होगी, मृदा, भूमि और मृदा, आकाश या फिर जल, निकाल बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा
भूमि और मृदा, ठीक है। स्थल मंडल में क्या वस्तु होते हैं, भूमि और मृदा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम थ्री नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि जड़ सीड्स और परों सीड्स पर कोशिकाएं विभोज्य योगी कहलाती हैं, क्योंकि भाज्य योगी कहलाती हैं, क्योंकि वे जल और भोजन के प्रवाह तत्व में सहायता करती हैं, ठीक है। वे विभिन्न पौधों के भाग में अंतर करती हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका, वे पौधों के आधार पर प्रदान करती हैं। और नेक्स्ट नंबर है आपका, नई कोशिकाओं का निर्माण करते हुए विभाजित होती रहती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करते हुए विभाजित होती रहती हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा कि वे नई कोशिकाओं का निर्माण करते हुए विभाजित होती रहती हैं। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि जब जल बर्फ में बदल जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसकी अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है, यह गंध बदलता है, यह स्वाद में परिवर्तित नहीं होता है, यह परिवर्तन उत्क्रमीय हो सकता है। जब जल बर्फ में बदल जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, आपको यह बताना है। देखिए पहला दिया हुआ है पहला, तीसरा या फिर चौथा, फिर दूसरा दिया हुआ आपका दूसरा या फिर तीसरा आपका दिया पहला चौथा, नेक्स्ट नंबर आपका दिया हुआ पहला और दूसरा, इसको बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है, फिर तीसरा और फिर चौथा, ठीक है, पहला तीसरा और चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला मतलब क्या कि इसकी अवस्था ठोस में परिवर्तित हो जाती है पहली बार, ठीक है। फिर तीसरी अवस्था क्या है कि यह स्वाद में परिवर्तित नहीं होता है, तीसरी अवस्था, ठीक है। और चौथा परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न जीवों में से किस एक में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन की बात कर रहा है कि निम्न जीवों में से किस एक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्ली, मेंढक, मुर्गी या फिर बकरी, किस में होता है बाह्य निषेचन, किस में होता है, आपको यह बताना है कि बाह्य निषेचन किस में होता है। बाह्य निषेचन होता है किसमें, मेंढक में, फ्रॉग में, ठीक है। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है, कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन क्या कहलाता है। क्या मत्स्य पालन कहलाएगा, पहला जवाब मत्स्य पालन, दूसरा जवाब है मुर्गी पालन, तीसरा जवाब है मधुमक्खी पालन और चौथा जवाब है आपका पशुपालन, ठीक है। वैज्ञानिक तरीका पूछ रहा है कि कृषि पशुओं का खेती के काम में जो पशु आते हैं उनका वैज्ञानिक प्रबंधन क्या कहलाएगा, पशुपालन कहलाएगा, ठीक है। उनका वैज्ञानिक प्रबंधन क्या कहलाएगा, आपका पशुपालन कहलाएगा, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है, जीव, परमाणु, कोशिकाएं या फिर जैवमंडल। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है, आपको बताना है कि संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है, क्या जीव है, कोशिकाएं हैं या फिर जैवमंडल है, ठीक है। क्या है आपका, जैवमंडल है, ठीक है। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है, आपका जैवमंडल है, ठीक है। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 38 नंबर क्वेश्चन भी आते हैं, देखिए क्या होगा यदि दो चुंबक को समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाए। क्या होगा यदि दो चुंबकों को समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाएगा, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, वे कभी प्रतिकर्षित करेंगे और कभी आकर्षित करेंगे, और चौथा है ना तो वो आकर्षित करेंगे और ना ही प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तब जब दो चुंबकों को आपस में आप लाएंगे, पास लाएंगे, जब दो चुंबक को आपस में लाएंगे या पास में लाएंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। वो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम, दिया
गया नाम बताइए, थैलोफाइटा, प्रोटिस्टा, मोनेरा या फिर कवक। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटिस्टा, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि उपस्थिति एक संयोजी ऊतक है, कठोर, तरल, कोमल या फिर अर्ध तरल। ठीक है, कठोर पहला जवाब, दूसरा आपका तरल, तीसरा है आपका सॉफ्ट और चौथा है आपका अर्ध तरल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका कोमल, इसका थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है, ठीक है, क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तो यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो क्या आपको बीमार बना सकता है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कैंसर या फिर उच्च रक्तदाब। बताइए क्या आपको बीमार बना सकता है, संक्रमित व्यक्ति के आपके पास में जाएंगे वो है आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा आपका फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है आपका, अमोनिया है, यूरिया अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर यूरिया है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए आप लोग बताइए कि मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है, मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है आपका यूरिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यूरिया यूरिक अम्ल से यूरिया है। ठीक है, यूरिक अम्ल से कंफ्यूज नहीं होना है, यूरिया फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि गहरे सागर में गोताखोरों इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, किस लिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, मैं बोला इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए, पहला जवाब, दूसरा है स्वयं समुद्री जानवरों से बचने के लिए, शरीर को गीला होने से बचाने के लिए, अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि गोताखोर जो होते हैं सागर के गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं कि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए, समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए, मतलब पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए IUCN, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है, किसमें मदद करती है, प्रवासी पक्षियों की व्यापक सूची में, नेक्स्ट नंबर है आपका केवल जनसंख्या का भौगोलिक वितरण करने में, उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान रूपांतरण करने में, नेक्स्ट नंबर पादप पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, IUCN का मतलब क्या होता है, IUCN क्या करेगा, पादप पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने के लिए IUCN का यूज किया जाता है, उसकी मदद ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जिस वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है उसका नाम था। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जिस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया है उसका नाम क्या था, माइकल फैराडे, जॉनसन, रदरफोर्ड या हैंस क्रिस्टियन ओस्टर्ड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा हैंस क्रिस्टियन ओस्टर्ड। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो की थी हैंस क्रिस्टियन ओस्टर्ड, आपको ये 12th की फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि जल में क्षार, ठीक है, जल में क्षार के विलयन की प्रक्रिया है बिना ऊष्मा विनिमय के साथ, पहला जवाब बिना ऊष्मा विनिमय के साथ, दूसरा है आपका ऊष्मा शोषी, तीसरा है आपका ऊष्मा क्षेत्री, चौथा आपका बही स्फोटक, बही स्फोटक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर आपको जवाब देना है। ठीक है, इसका सही जवाब आपको देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेत्री। ठीक है, ऊष्मा क्षेत्री इसका सही जवाब हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ऊष्मा शोषी से कंफ्यूज मत करिएगा इसको। ठीक है, इसका होगा ऊष्मा क्षेत्री सही जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 47 नंबर पे, हाल ही में चेन्नई में 28 जनवरी 2017 को कामा रजर पोर्ट के पास दो व्यापारी जहाज टकरा गए, ठीक है, और समुद्री जीवन को अत्यधिक विनाश हुआ, इसका कारण क्या था, सीसा, विषाक्तता, अम्ल वर्षा, शहर में
वाहित विवाहित मल की निर्मुक्ति या तेल अधिक प्लाव। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब 4 नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि नेहा एक खास दिन को पूर्ण चंद्रमा देखती है, ठीक है, जो भी नेहा को वो जरूर बताएगी मेरे को, ठीक है, वो भी वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएगी। नेहा एक खास दिन को पूर्ण चंद्रमा देखती है, ठीक है, वह कितने दिन के बाद पूर्ण चंद्रमा देख सकेगी? आपको नेहा आज ही आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप कितने दिन में पूर्ण चंद्रमा देख सकेंगी, आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जब भी मेरी वीडियो देखिएगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेहा एक खास दिन को पूर्ण चंद्रमा देखती है, वह कितने दिन के बाद पूर्ण चंद्रमा देख सकेगी? अभी का मैं बता देता हूं लेकिन बाद का आप बताएंगे, ठीक है, वो है आपका 29 days, ठीक है, इसका सही जवाब बनेगा 29 days। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि लैक्टोबैसिलस इसमें मुख्य भूमिका निभाता है दूध से दही जमने में, केक और ब्रेड बनाने में, पनीर बनाने में, और नेक्स्ट आपका एल्कोहल के निर्माण में, किण्वन की प्रक्रिया में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूध से दही का जमने में, ठीक है, दूध से दही का जमने में, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया होती है भूमि पर, मादा के शरीर पर, नर के शरीर पर या फिर जल पर। आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां होती है? वो होती है मादा के शरीर में, ठीक है, कहां होती है? मादा के शरीर में। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है विटामिन सी, विटामिन ए और डी, विटामिन B12, विटामिन के। इसका सही जवाब आपको देना है कि मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है, किसमें समृद्ध होता है? विटामिन ए और डी में, विटामिन ए और डी में समृद्ध होता है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि चुंबकीय कंपास सुई दिशा ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ डिवाइस है लेकिन यह अनुपयोगी हो जाती है 66 उत्तर दक्षिण डिग्री, उत्तर दक्षिण चुंबकीय ध्रुवों या चुंबकीय निरक्ष या फिर 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? चुंबकीय ध्रुवों पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि कौन सा मिलान इसमें से गलत है, ठीक है, कौन सा मिलान इसमें से गलत है? सल त्रप्त उपकला त्वचा, ठीक है, सल की त्रप्त उपकला त्वचा। दूसरा जवाब है अंग के बीच में स्थान का भरना उपस्थित उपास्थित तरल संयोजी ऊतक रक्त या वसीय संयोजी ऊतक अध अधिवसित वचीय परत, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्ड है, थोड़ी सी क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है पढ़ने की, ठीक है, क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है पढ़ने की, इतने डिफिकल्ट वर्ड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 54। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अंग के बीच में स्थान का भरना, ठीक है, अंग के बीच में स्थान का भरना, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि उस क्या बताना है कि उस फाइलम का नाम बताइए जिससे कर्क मछली क्रेफिस संबंधित है। कर्क मछली मतलब आपका क्रेफिस संबंधित है मत्स्य, या एगोनोइडा मार्टा, ठीक है, या रज्जुकी या संधिपाद, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि एक क्षेत्र में घोड़े के समूह के लिए एकल जैविक पद्धति का नाम बताना है आपको, जनसंख्या, प्रजाति, परिवार या फिर झुंड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? जनसंख्या। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? जनसंख्या। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि अंतर विविध संकरण का क्या मतलब होता है? अनुवांशिक रूप से विभिन्न पौधों के बीच क्रॉसिंग,
दूसरा जवाब सुनिएगा, एक ही वंश की दो विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग या भिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग या फिर पौधे के विभिन्न प्रकारों के बीच क्रॉसिंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, पौधों के विभिन्न प्रकार के बीच क्रॉसिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, उस ऊतक की पहचान करें जो कि सामान्य स्थायी नहीं है, ट्रगोडक, जाइलम, मृदुतक या संश्लेषक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, जाइलेम। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, जाइलेम। नेक्स्ट नंबर 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पादित ध्वनि ऐसी होती है, क्षीण, उच्च, नहीं सुना जा सकने वाली या फिर आयाम और ध्वनि के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता, कोई भी रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, उच्च, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, टेट्रासाइक्लिन, कुनेन या फिर क्लोरोमिनाइसिन या फिर एट्रोमाइसिन। ठीक है, तो इसमें कुनेन सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर। आपको यह बताना है कौन सा इसमें सूक्ष्म जीव नहीं है, क्या जीवाणु, ईस्ट, अमीबा या फिर मशरूम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सूक्ष्म जीव नहीं है, वो है आपका मशरूम, इसमें से सूक्ष्म जीव नहीं है। ठीक है, कौन, मशरूम। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि SNO3 + CaOH का होल ट्वाइस बनेगा क्या, CaNO3 का होल ट्वाइस + H2O। उपरोक्त अभिक्रिया को यदि संतुलित किया जाए तो इसका गुणांक क्या होगा, आपको बताना है कि इसका गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक क्या होगा आपको बताना है कि इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक हो जाएगा फोर्थ नंबर 2:1:1:2। इसका फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्रुवीय बर्फ टोपी किसके कारण पिघल सकती है, ध्रुवीय बर्फ की टोपी किसके कारण पिघल सकते हैं, अम्ल वर्षा पहला जवाब, दूसरा ग्रीन हाउस प्रभाव, तीसरा जवाब है ओजोन परत की रक्तीकरण या फिर चौथा जवाब है आपका उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बर्फ, ध्रुवीय बर्फ की टोपी किसके कारण पिघल सकते हैं, किसके कारण पिघल सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कारण, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों पर कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है, गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों पर कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है, रंध्र, नलिकाएं, रक्षक कोशिकाएं या अर्धचर्वी। ठीक है, इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर मीथेन, कौन सी ओजोन गैस नहीं है, आपके लिए बताना है कि ओजोन गैस कौन सी नहीं है, ऑक्सीजन इसमें से ओजोन गैस नहीं है, कौन सा, ऑक्सीजन इसमें से ओजोन गैस नहीं है, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये ग्रीन हाउस प्रभाव कम है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन इसमें से क्या नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि निम्नलिखित उपकरणों में से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा किसको, निम्न में से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जा सकता है, कि फिल्टर पेपर, चाइना डिश या फिर पृथक्कारी की या फिर आसवन फ्लास्क।
बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर, क्या प्रथाकारी की थर्ड नंबर सही जवाब राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपचरित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता है, कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह है। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक आक्सी कारक, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक नाइट्रीकरण अभिकर्ता, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक अपचायक, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक जल संयोजन अभिकर्ता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एवं आक्सी कारक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अपतरण के जीव वैज्ञानिक निरंतरण में अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए, भ्रंग काश नील कीट या पुच्छ मंची या फिर एफिड ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा काश नील कीट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक आयरन में माइका शीट्स का उपयोग किया जाता है, पहला जवाब माइका बहुत हल्का होता है और विद्युत का अच्छा चालक होता है, दूसरा जवाब माइका विद्युत का अच्छा चालक होता है, तीसरा जवाब माइका विद्युत का ऊष्मा का कुचालक होता है, और चौथा जवाब है माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक भी है ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक भी है, लेकिन ऊष्मा क्या है, अच्छा चालक है। 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि वन का निम्न एक उदाहरण है, वन का निम्न एक का उदाहरण किसका है, उत्पादक जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र या फिर समुदाय। किसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, थर्ड नंबर ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र ठीक है, इको सिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र वन किसका उदाहरण है, एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। 70 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, देखिए कि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है क्योंकि, क्यों बदलता है चंद्रमा का जो आकार है प्रतिदिन बदलता है क्योंकि हम सूर्य का वह भाग देते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, पहला जवाब। दूसरा जवाब सुनिएगा, चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई बदलती रहती है, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब है पृथ्वी चंद्रमा का छाया बनाती है, तीसरा जवाब। चौथा जवाब है आपका सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सदैव सीधी रेखा में होते हैं, इसका चौथा जवाब हो गया। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा हम चंद्रमा का वह भाग देखते हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 71 नंबर पे आते हैं, मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, प्रति क्या होता है, संवेदी होता है ठीक है, नेत्र लेंस, सालका शंकु, कार्निया या फिर पुतली ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सालका एवं शंकु, सालका एवं शंकु कहते हैं, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन पे कि पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, जल आशय, पर्ण रहित, भोजन संग्रहण या रक्तिका। इसका सही जवाब देना है आपको, सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब फोर्थ नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा रक्तिका, रक्तिका ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को कहा जाता है, धुनाई, ऊन कर्तन, अभिमार्जन या फिर कटाई, क्या कहा जाता है आपको बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा अभिमार्जन ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 74 नंबर क्वेश्चन की प्रत्येक वक्र कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है, प्रत्येक वक्र
कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। मेंजुला, वल्कपुट, कार्टिस, ग्लूमुलस, ग्लूमेरुलस, ठीक है, वक्राणु या निफ्रांस, ठीक है, वक्राणु या निफ्रांस को जो बोलते हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, वक्राणु एवं निफ्रांस, ठीक है, वक्राणु एवं निफ्रांस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके शरीर के बाएं और दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है, द्विपार्श्विक समिति, ठीक है, कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके शरीर के बाएं और दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है, द्विपार्श्विक समिति, त्रिज समिति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर असमिति, इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा द्विपार्श्विक समिति, ठीक है, द्विपार्श्विक समिति, इसका फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि निम्न में से कौन सा एक एक कोशिका का नहीं बना हुआ है, निम्न में से कौन सा एक एक कोशिका का नहीं बना हुआ है, अमीबा, युग्मनज, मुर्गीकंडा, या फिर स्पाइरोगोइरा, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगोइरा, ठीक है, स्पाइरोगोइरा एक एक कोशिकाओं का नहीं बना हुआ है, फोर्थ नंबर, इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि खगोलीय पिंड इसकी मदद से रात में देख सकते हैं, खगोलीय पिंड किसकी मदद से आप रात में देख सकते हैं, क्या पारदर्शी दूरबीन, या फिर सूक्ष्मदर्शी, या फिर बहुमित दर्शी, किसके माध्यम से आप खगोलीय पिंड को रात में देख सकते हैं, तो वो है आपका दूरबीन, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा टेलीस्कोप, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 78 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित संरचना में से कौन नाभिक में उपस्थिति होती है, सूत्र कणिका, गुण सूत्र, या फिर तार केंद्र, या फिर राइबोसोम, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, गुणसूत्र, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका गुणसूत्र। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टलन में निम्नलिखित में से चरणों का कौन सा सही क्रम अंतर्निहित होता है, निष्पंदन, वाष्पन, विघटन और शीतलन, पहला जवाब है, दूसरा जवाब सुनिएगा, विघटन, वाष्पन, शीतलन, निष्पंदन, दूसरा जवाब है, तीसरा जवाब सुनिएगा, वाष्पन, निष्पंदन, शीतलन और विघटन, तीसरा जवाब हो गया, चौथा जवाब सुनिएगा, वाष्पन, विघटन, शीतलन और निष्पंदन, इसका सही जवाब आपको बताना, सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, विघटन, वाष्पन, शीतलन और निष्पंदन, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि यदि आप 6 सेकंड में 120 दोलन उत्पन्न करते हैं तो आवृत्ति क्या होगी उसकी, यदि आप 6 सेकंड में 120 दोलन उत्पन्न करते हैं तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी, क्या होगी, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब होगा 20 हर्ट्ज की होगी, ठीक है, कितनी होगी, 20 हर्ट्ज की होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि ऑक्सीजन परमाणुओं में 6 संयोजन इलेक्ट्रॉन हैं पर उसकी संयोजकता केवल 2 है, यह उचित है क्योंकि वह 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण करता है, ठीक है, पहला जवाब, दूसरा जवाब सुनिएगा, वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अष्टक को पूर्ण करता है, दूसरा जवाब, ठीक है, तीसरा जवाब सुनिएगा, वह 6 इलेक्ट्रॉन खो सकता है तथा अन्य तत्वों के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करता है, तीसरा जवाब हो गया, चौथा जवाब यह है कि वह 2 इलेक्ट्रॉनों को खो सकता है तथा अन्य के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करता है, यह आपका चौथा जवाब हो गया, तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि वह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन वह प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि फलों तथा फूलों का रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, अर्णित लवक, वर्णक लवक, हरित लवक या फिर पर्ण, किसके कारण होता है, फूलों और फलों, ठीक है, फूलों और फलों का जो रंग होता है, जो कलर होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, अर्णित लवक, वर्णक लवक, हरित लवक या फिर पर्ण,
बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण लवक, ठीक है, वर्ण लवक के कारण सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद करती है या खोलती है, ठीक है, उस डिवाइस का आपको नाम बताना है वो जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद कर देती है और खोल देती है, विद्युत सेल, विद्युत स्विच, विद्युत बल्ब या फिर विद्युत फ्यूज, इसका सही जवाब आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्विच, विद्युत स्विच, ठीक है, आप बटन को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, आप बटन को ऑन ऑफ करते हैं तो विद्युत परिपथ आसानी से बंद होती है और चालू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक को त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को यथावत स्थान पर रखता है, निम्न कहलाता है, क्या एरिओरल, वासी ऊतक, कांड्रा या फिर स्नायु, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा एरिओरल, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि पारद का स्तर बढ़ता है जब इसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है क्योंकि विकिरण के कारण, दूसरा है आपका पारद गर्म होने पर संकुचित होता है, तीसरा है आपका संवहन के कारण और चौथा है आपका पारद गर्म होने पर विसरित होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पारद गर्म होने पर विसरित होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि पृथ्वी की मध्यवर्ती परत निम्न कहलाती है, भूपरपटी, पवार, परानिधान या फिर क्रोड, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पवार, ठीक है, पवार इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या होती है 7, 5, 6 या फिर 1, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 7। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे कि कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, गोल्जिका उपकरण, सूत्र गणिका, लवक या फिर राइबोसोम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका लवक, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि शीत के मौसम में किसान मित्र अपने खेतों में पानी डालते हैं क्योंकि कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण केशिकाओं में पानी जमा हो जाता है, पहला सबब, दूसरा जवाब है यह पौधों में तुषार से बचाता है, तीसरा जवाब इसमें रात में वाष्पन दर बढ़ जाता है, चौथा जवाब है पौधे रात में पानी को तेजी से अवशोषित करते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यह पौधों को तुषार से बचाता है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक ग्रह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल है जो विशेष रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, ब्रॉयलर, बतख, पेरू पक्षी, टर्क या रोड आइलैंड, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉयलर, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ब्रॉयलर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि मृदा के बिना जल में खनिज पोषक तत्व विलयन में पौधे उगने का अभ्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊतक संवर्धन कहलाता है, पाक्सनिक्स कहलाता है, जल संवर्धन कहलाता है या छत वागवानी कहलाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जल संवर्धन, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि एक पादप कोशिका में रक्तिकाएं होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, झिल्ली रहित होती है, इसमें इसमें अगले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तीसरा जवाब है कोशिका रसयुक्त झिल्ली वाद्य कोशिका अंगक, चौथा जवाब है आपका झिल्ली वाद्य होता है, इसमें भंडारण और कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसका
थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका रसिंग झिल्ली वाति कोशिका अंग, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि कौन मरुस्थल जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है, गर्म तथा आर्द्र, गर्म तथा शुष्क, गर्म तथा गीला, शुष्क तथा आर्द्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा गर्म तथा शुष्क, गर्म तथा शुष्क, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे, वे लघुत्तम संख्याएं कौन सी हैं जिसे जब आप 1058 से गुणित किया जाए तो एक पूर्ण घन का परिणाम देगी, ये सवाल आप लोगों को लगाना है, नहीं बनेगा आप लोगों को समस्या आएगी, आप कमेंट करके बताइएगा मैं इस सवाल को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, इस सवाल को मैं सॉल्व कर दूंगा। ये मैथमेटिक्स का सवाल है, एक सवाल मैथमेटिक्स का ऐड हो गया, ठीक है, एक सवाल मैथमेटिक्स का मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, एक सवाल मैथ का भी मैंने ऐड कर दिया हुआ है, तो ये सवाल आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है, मैं अभी बता देता हूं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवंथ इसका सही जवाब होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेवंथ इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर होगा, लेकिन आप लोगों को लगा के बताना है मेरे को कि इसका सही जवाब क्या होगा, सेवन होगा या फिर और आप लोगों को छा रहा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है, मृद लोहा, तांबा, रेडियम धातु या फिर स्टील, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टील। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 96 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण एक उदाहरण है, इसका ध्रुवन, विकिरणन, प्रकीर्णन या फिर परावर्तन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, विकिरणन इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें गर्म कॉफी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफी की नहीं, यह इसलिए क्योंकि, पहला जवाब सुनिएगा ध्यान से, उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है और वे दूर तक जाते हैं, पहला जवाब मेरे हिसाब से तो पहला जवाब समझ में आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि उच्च तापमान पर अणुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है और वे दूर तक जा सकते हैं, तीसरा जवाब है कि उच्चतम तापमान पर अणु शीघ्र विलीन हो जाते हैं तथा चारों ओर फैल जाते हैं, और चौथा जवाब है आपका कि उच्च तापमान पर अणुओं की अधिक संख्या विलीन होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गति ऊर्जा होती है और वे दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं, तारकाकाय, गोल्जीकाय, लंकाय या फिर राइबोसोम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा लंकाय। नेक्स्ट नंबर 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसने टिहरी गढ़वाल के वृक्षों के काटने के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं के द्वारा आरंभ किया गया था, वो कौन सा था, आपको पता है कौन सा था, आपका चिपको आंदोलन, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, 100 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर आपको जरूर करना है, शेयर आपको ज्यादा से ज्यादा करना, जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में आपको ये शेयर करना है, ठीक है, जहां भी आपके ग्रुप हैं उन सब लोगों को आपको शेयर करना है, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सीरीज मिल सके, मेरी इस सीरीज मिले, जनरल साइंस की मेरी सीरीज मिल सके, ठीक है, और भी पार्ट है मेरे पास, ठीक है, और भी पार्ट है, तो वो भी पार्टों को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करके ना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताना है, ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर करना है, सेशन को लाइक करना भूलना नहीं है, ठीक है, और सेशन को शेयर करना है, जितने भी आप लोगों के ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करते जाना है, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।